खुजनेर नगर के क्षेत्रीय विधायक श्री बापू सिंह तंवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुजनेर पहुंचे। वहां पर उन्होंने कोविड को लेकर अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की, साथ ही जिन चीजों की कमी थी उनकी पूर्ति के रूप में विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुजनेर को 11 लाख रुपए की लागत की एक एम्बुलेंस, 6 इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन मशीन, कोरोना से बचाव हेतु एंटीबायोटिक दवाइयां भेंट की, साथ ही अस्पताल प्रबंधन की मांग पर एक जनरेटर भी देने का वादा किया तथा साफ सफाई को लेकर सफाई प्रबंधन के अच्छे काम पर उन्होंने खुशी जाहिर की। इसी कड़ी में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, वहाँ पर भी पहुंचकर विधायक ने स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर तहसीलदार शंभू सिंह मीणा, नगर पंचायत CMO उमेश शर्मा, अस्पताल प्रबंधक राजीव हरिओम, कांग्रेसी नेता अजीज मौला तथा कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। टीम भारती न्यूज। सिलसिले में सर ऐसा है कि ये कच्ची घड़ी है, कोरोना आज ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खुजनेर में बहुत ही लोग स्वस्थ हुए हैं और अब धीरे धीरे इसकी ग्रोथ रेट कोरोना की कम हो रही है और गांव-गांव में एकदम भगवान की ऐसी कृपा से कि बहुत ही एकदम अच्छे हो गए हैं। पर फिर भी हमें इसमें सावधानी बरतना है क्योंकि ये अभी कोरोना काल ख़त्म नहीं है और ऐसे संकट के समय में सभी लोगों ने, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने भी बहुत सेवाएं की हर चीज़ को जनता के बीच में, जनता को कैसे सावधान रहना ये हर चीज़ को आपने भी जनता तक पहुंचाया और सारे डॉक्टर्स नर्सेस सब लोगों ने अपना जान की बाजी लगा करके और ऐसे संकट के समय में मानव सेवा की और लोगों की सेवा की, उसके कारण आज पूरे ज़िले में एक राहत भरी खबर यह है कि कम से कम जो कोरोना का ग्रोथ रेट है वो 5% 5.5% पे हम आ गए। तो पर इससे हमें चुप नहीं बैठना, लगातार प्रयास करना है कि हम इसको बिल्कुल कोरोना के केसेस को राजगढ़ ज़िले से हमें ख़त्म करना है। उसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग समाज सेवा जो करने वाले वो समाज सेवक भी इसमें लगे हुए, सभी लोगों से मेरी अपील है कि जो टीकाकरण का कार्य है उसमें जो टीका लगवाने से पहले व्यक्ति खुद अपने आप को भी जांच ले कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ तो वो टीका लगवाए, अगर उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो वो छुपाए नहीं, वो जो भी टीकाकरण कर रहे हैं केंद्र पर उनको बताए कि मुझे ये तकलीफ हो रही है तो वो टीका ना लगवाए और बाकी अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है तो वो टीका लगवाए, टीका से घबराए नहीं। लोगों ने भ्रम फैलाया कि टीका के कारण ऐसा हो रहा, वो भ्रांति को दूर कर ले क्योंकि मैंने भी टीका लगवाया, मैं भी स्वस्थ हूँ, मेरे परिवार में भी टीका लगा, ऐसा नहीं है। लोग गाँव में अफवाह उड़ा दी कि टीका से तो लोगों की मृत्यु हो रही, ऐसा नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, वो बीमार होगा। सरियन जो नई बीमारी है ब्लैक फंगस, इसके बारे में सर? देखिए ब्लैक फंगस ये साइड इफेक्ट है कोरोना के, कोरोना काल में जो भी दवाइयाँ लिए, ड्रग्स भी, रेमडेसिविर लगे, कुछ नकली रेमडेसिविर भी सप्लाई हो गए वो भी लग गए, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से कौन कौन लोग हैं नकली रेमडेसिविर बेचने वाले। और इसमें एक प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं और उनके करीबी का जो है इसमें नाम आ रहा है, इंदौर से जो विधायक आते हैं सर। देखिए इसमें संकट के दौर में भी सेवा में भी अवसर ढूंढ लिए धंधा करने का, ब्लैक मार्केटिंग का है, अब इसमें कालाबाजारी की, मैं क्या पूरी पार्टी हमारी पूरे देश में इसके खिलाफ एक अभियान चल रहा है कि जो भी इस संकट के दौर में कालाबाजारी किए, जिन्हें जिन लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की उनके ऊपर सरकार सख्त कार्रवाई करे ना, उन्हें बचा क्यों रही। आज सर जो आपके द्वारा जो सामग्री दी गई है कौन कौन सी सर? ये कंसंट्रेटर है आपका, सैनिटाइजर और दवाइयाँ, ये सब चीज़ें इसमें उपलब्ध है और मेरे द्वारा किए तो आपकी है, जनता की है, ये तो हम सबका दायित्व है कि हमारी अस्पताल में सारी व्यवस्थाएँ हों। खुजनेर हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर यहाँ बैठते हैं, पूरा ब्लॉक की यहाँ जिम्मेदारी रहती, यहाँ एम्बुलेंस की कमी थी, हमने उनसे बात की, DMO साहब से, कि अपने एम्बुलेंस की क्या स्थिति के साथ, बहुत पुरानी और बहुत दिक्कत आती है,
तो हमने कल राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर एक यहाँ पर एम्बुलेंस स्वीकृत की है, वो भी जल्द यहाँ पर आ जाएगी। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।